ले प्रसाद खा। प्रसाद खा खा के तो मेरा पेट नाक तक भर गया, अब तू ही खा और उसके गुनगा। तुझे हो ना हो पर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, एक न एक दिन वो मेरी जरूर सुनेगा। सुनता तो आज भी है लेकिन एक कान से सुनता है दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। को पकड़ लिया सजा दूंगा। क्या सजा? ऐसी सजा दूंगा कि पेट भर जाएगा। चल अब कहाँ पहुँचे? टिम्बकटू। अब कहाँ पहुँचे? होनोलुलु। अब कहाँ पहुँचे? टोरंटो में दूध आ गया और वो भी गरम गरम। नहीं दूध नहीं, पहले सजा। तुम्हारी सजा ये है कि तुम दूध पियोगे। नहीं। कट करके पी जाओ। वेरी गुड। जल्दी सोए जल्दी जागे, दुनिया में वो सबसे आगे। डैडी, यार ये क्या कर रहे हो बेटा? मुझे काम करने दो, जा सो जा। नहीं डैडी, जल्दी सोए जल्दी जागे ओ दुनिया में सब आगे। हाँ जी, ये बात है तो चलो जल्दी सो जाते हैं। पार्वती, आज तुम होती तो कितना खुश होती अपने बेटे को देखकर। कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है विकी। तुम एक ऐसी निशानी छोड़ गई हो पार्वती कि अब मैं तुम्हें भी भूलने लगा हूं। आप कहाँ डैडी? जल्दी करिए, देर करोगे तो मछली नहीं मिलेगी। आया। आप बहुत देर करते हैं डैडी। अरे तो क्या हुआ, मछलियां समंदर से भाग के कहाँ जाएंगी? बेटा आज तुम्हें मछली के शिकार पर चलना है, इस खुशी में तुम्हें रात भर नींद तो नहीं आई होगी। आई थी डैडी। आई थी, गुड गुड। चलो शिकार का सामान ले लें। वो तो मैंने पहले ही गाड़ी पे रख दिया। अरे गुड, चलो चलो। डैडी ये निकल गया, लो बांध दो जरा। आओ इधर आओ। डैडी ये मुझे काला काला अच्छा नहीं लगता। क्यों बेटा? गोरे हाथ पे काला तिल तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता? नहीं। अच्छा तो हम इसको ऊपर बांध देते हैं। अब तो ठीक है ना? हाँ। विकी मशीन लग गई है। डैडी खींचो खींचो। डैडी मुझे दीजिए, डैडी मुझे दीजिए। उठो उठो उठो।
जी, देखो कितनी बड़ी मछली है। विक्की, विक्की, विक्की कहाँ? चलो जरा इंजन रूम में, तुम पीछे हो जरा। विक्की, विक्की, सरकार विक्की इंजन के कमरे में नहीं है, कहीं पानी में तो नहीं गिर गया? विक्की, 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 चल ना मुझे, आपको चल ना मुझे, नहीं आता, तो क्या करें? ना जाने विक्की कहाँ गिरा, वो पीछे चलते हैं ढूंढते हैं। बोट टर्न करो, जल्दी बोट टर्न करो, जल्दी बोट टर्न करो। आज मछली ऐसी बनाऊंगी कि तू हाथ चाट कर रह जाए। ये भूली क्या? वो देख, कोई बच्चा पड़ा है। अपने गांव का तो नहीं दिखता, कहीं से बहके आया है। जिंदा है? हाँ, सांस तो चल रही है। तू बैठे बैठे क्या कर रही है? जाने कब से पानी में पड़ा है, सर्दी से मर जाएगा। जल्दी जाकर कोई कपड़ा ला, मैं तब तक इसके पेट का पानी निकालता हूँ। शंभू ले। हाँ, लपेट, चल 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 चल। के खेल भी निराले हैं, जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए उन्हें देता है और वो इस आश्रम में छोड़ जाते हैं। हाँ, और एक अपने कैलाश बाबू हैं बेचारे, एक ही बच्चा था बहुत प्यारा, वो भी नहीं रहा। मंगलू, नशों में नशा, दारू का नशा, अरे मर्दों का नशा पाला। चढ़ गई शंभू। अबे चढ़ती है कच्चे पीने वालों को, यहाँ तो उम्र इसी में गुजर गई, 20 साल से पी रहा हूँ। फुलवा। हाँ शंभू। एक अद्दा और भेज, और एक प्लेट सेफ करा खेड़ेक। मगलू, एक ये छोकरा किसका है, कहीं देखा हुआ है? छोकरा का देख मेरा। ए उल्लू के पट्टे। अरे क्या है बापू, इधर आओ। तो दारू पीता है तो क्या हुआ, तुम भी पीते हो और मैं भी पीता हूँ। बेगैरत, बात क्या है? मंगलू बैठ, चल बे तू जा। मंगलू, छोकरा ठीक कहता था बेटा,
बाप की आदत सीखता है। मैं नहीं चाहता मेरा राजू मेरी आदत सीखे। और सर शराबबंद। राजू राजू तू कहाँ है बेटे? मैं आऊँ माँ, मैं आऊँ। राजू तू कहीं मत जाना, मेरे पास ही रहना, मेरे पास। घबरा नहीं, धीरज से काम ले। शंभू शंभू देख देख मैं जा रही हूँ, मैं अपना बेटा तुझे सौंप कर जा रही हूँ। तू बाप ही नहीं माँ भी है। राजू माँ, राजू माँ, राजू माँ। अरे शंभू आओ सामने बैठो। क्या हो रहा है? रसोई कर रहा हूँ। अरे कब तक जूला फूंकता रहेगा? अभी कौन सी उम्र चली गई है तेरी? मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी? हाँ। नहीं नहीं, जाने कैसी औरत हो, मेरे राजू के साथ जाने कैसा सलूक करे। अच्छी औरत भी तो हो सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मगर भैया मैं ऐसा चूहा नहीं खेलूंगा। राजू। क्या नीलू? सुनता नहीं, तेरे बाबू बुला रहे हैं। अरे सुन लिया, तेरा नहीं हूं। हाथ कट गया देखो। हट। अजीब लड़का है, कितनी बार समझाया कि काम के वक्त काम, खाने के वक्त खाना, मगर समझता ही नहीं। खाना ठंडा हो रहा और अभी तक नहीं आया। आ गया बापू, तू आवाज दे और मैं ना आऊं। ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है ठीक है, कल से तेरा इंतजार नहीं करूंगा, खुद ही खा लिया करूंगा। हमेशा तू यही कहता है मगर। बस बस बातें बंद, चल हाथ धो और खाना खा। ए, ये क्या कर लिया तूने? कुछ नहीं बाबू, वो पेट से। हमेशा बच्चों की तरह गिरता पड़ता रहता, अब खाना कैसे खाएगा इससे? ये तो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ से कोई खाना खाता है? उल्टे हाथ से नहीं खाऊं, सीधे हाथ से नहीं खाऊं तो खाना कैसे खाऊंगा? मेरे हाथ से। तेरे हाथ से? अबे जब तेरी माँ का ध्यान हुआ था तो तू इतना सा था, तब तुझे कौन खिलाता था? लेकिन बापू तब तो मैं बच्चा था। हाय, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए बाप के लिए बच्चा ही रहता है। चल मुंह खोल। नहीं नहीं, खोल मुंह। अरे मुंह खोल, खाता है अभी तक बचपना नहीं गया, चल खा। उतरो बेटा, घर आ गया। उतरो तो तुम्हारे घर है, आओ डरो मत। सब लोग कहते थे कि मेरा बेटा मर गया, वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं कहता था झूठ, वो जिंदा है, एक दिन जरूर आएगा। और देखो तुम आ गए। जी। घबराओ मत, यह सब कुछ तुम्हारा है, हर चीज तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि सब कुछ तुम्हारा है? चलो ये भी लो, आओ मेरे साथ। ऐसी काका। क्या ये बड़े साहब रोज नया आदमी क्यों पकड़ लाते हैं? तुम अभी नए आए हो, थोड़े दिन इस घर में रहोगे आप समझ जाओगे। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है काका, रात को होश में नहीं होते, सुबह जब नशा उतरता है रात की बातें भूल जाते हैं। पहले नशा भी नहीं करते थे, जब से इनका बेटा नहीं रहा
उसका गम भुलाने के लिए शराब पीने लगे हैं। वाह, क्या बाप मिला है। या तो दो टाइम रोटी नहीं मिलती थी और आज मिली तो करोड़ों की जायदाद। भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। कोई है? ए, ए, उठ। हम खड़े हैं और तू सो रहा है। माफ करना साहब, मुझसे गलती हो गई। और सुनो, वो बोतल लाना जिसमें सफेद और काली बिल्ली बनी होती है। स्कॉच व्हिस्की चाहिए हुजूर को। हाँ, कौन हो तुम? उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखता है? उठ, उठ यहां से। तुम कौन हो मुझे निकालने वाले? ये मेरे बाप का घर है। ये मेरे बाप का घर है? अबे ये तेरे बाप का घर नहीं, मेरे मामा का घर है। मामा? हाँ, वो हर रात को शराब के नशे में किसी ना किसी उल्लू को रास्ते से उठाकर यहाँ ले आते हैं और उसके सर हो जाते हैं। बेटा, तू मेरा बेटा है। बोल, सीधी तरह जाएगा या लात खा के जाएगा? बोल। ऐसे ही जाऊंगा। चल, पर, ए, ठर, ठर, ठर। भवानी सिंह। क्या बात है सरकार? इसके जिस्म और जामा पर एक नजर एक घर डाल लो। क्या डाल दो सरकार? अरे अच्छी तरह से इसकी तलाशी ले लो और देखना अंकल का कोई भी सामान बाहर न जाने पाए, समझे? अच्छा सरकार। छह अंडे का ऑमलेट, बढ़िया शराब, काली सफेद बिल्ली वाली बोल। 110, 111, 112, 113, मिली। आइयो, तुम इधर काम करने को आते या उछलने? उछलने। आए, क्या कहा? स्वामी जी, उस दिन आपने तो कहा था कि सारे संसार को अपना ही घर समझो। दस्ते नाजुक इस खुरदरे काम के लिए नहीं बने, जाने रहना है। इन खामोश निगाहों का गिला हम समझते हैं। माँ बदौलत बहुत जल्द इसकी तलाशी करते हैं। तलाशी? क्या किया है मेरी बेटी ने छोटी सरकार? किस चीज की तलाशी करेंगे? तलाशी नहीं, तलाफी। जैसे माफी होती है। किस कूट से वास्ता पड़ा है। माफी नहीं मोहतरमा, तलाफी। तलाफी यानी कबीर दूर। कबीर दूर? हम इनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तनख्वाह बढ़ा देंगे? ये तो बहुत अच्छा है। और मेरी? तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी भी बढ़ा देंगे। मेहरबानी सरकार, बहुत मेहरबानी। अरे खड़ी क्या है, छोटे सरकार को सलाम कर। इनके सलाम की इतनी जरूरत नहीं जितनी इनके कलाम की है। बुंदी बनी खड़ी रहती है, छोटी सरकार बात करती है तू जवाब तक नहीं देती। क्या जवाब दूं? ये क्या बोलते, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में नहीं आता तो पूछ लिया कर, ये सब मुझसे नहीं होता। वो देला, अरे टूट गया, इतना जोश। आई मौसी। अरे बेला, अरे सुन तो, ए बेला, ए मुरारी। क्या है री? क्यों लड़की के पीछे पीछे जा रहा है? मैं इसके पीछे कहाँ जा रहा हूँ, ये मेरे आगे आगे जा रही है। इससे कहो कि ये मेरे पीछे पीछे चले, मैं इसके आगे आगे जाता हूँ।
ये तेरे पीछे क्यों जाएगी? हाँ क्यों जाएगी, लड्डू जो देने। लड्डू? कितना जवान, कितना तंदुरुस्त, असली घी का मालूम होता है। बिल्कुल दानेदार घी का। अरे यही तो मैं इसे कह रहा था कि मौसी को दे दे। अरे ये लड़की बेवकूफ है, काम की बात कभी नहीं समझती। कभी नहीं समझती इसी बात पे। दूसरा भी मौसी, यहाँ भीड़ बहुत है, कोने में जाके खाओ नहीं तो कोई मांग ले। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। खाओ खाओ खाओ। छोटे सरकार, क्या मुझे और बिजली को एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी बहन की लड़की की शादी है, गांव जाना है। कितना खुला खुला है तुम्हारे ये गांव, शहर से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आओ चलो नाव में घूमते हैं, और भी अच्छा लगेगा। चलो ओ। आवाज अच्छी है। सूरत भी बुरी नहीं। कौन है वो? राजू। कौन राजू? शंभू काका का लड़का। अरे क्या कर रही हो? तू बस देखती जा। मुझसे बात करना। मैं बदतमीज लड़कियों से बात नहीं करता, चल अपनी नाव में। ए बदतमीज किसे कहता है? छोड़ मेरा हाथ, मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती? जरा अपनी सूरत तो देख। खबरदार जो मेरे मुंह का हाथ लगाए। क्यों? कच्ची मिट्टी का है, टूट जाएगा। तू जाती है कि नहीं अपनी नाव में? बिजली, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ शरीफ आदमी रहते हैं। शरीफ आदमी? हाय कितने दिनों बाद मिला, मुझे शरीफ आदमी की तो जरूरत है। कहाँ जा रहा बापू? अरे बेटा ये थोड़े से समोसे देने थे, मैंने कहा दे ही आऊं। ला मैं दे आता हूं। ले तू दे। कहाँ देने? वो कौशल्या की बहन और उसकी बेटी शहर से आए हैं, उनको दे। तू 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 ही दे। क्यों, तुझे क्या हो गया? अभी तो जा रहा था। नहीं बाबू, वो मैं गया तो ये काम रह जाएगा। जा तू पहले समोसे देकर आ, चल। लेकिन बापू मैं जानता भी तो नहीं कि वो कहाँ ठहरी है। जानता कैसे नहीं, कौशल्या के बराबर वाले मकान में ठहरी हुई। चल जा। लेकिन बाबू भारे बात बात कुछ नहीं, चल जा जा चल चल। चलने से डरते हैं आजकल के लौंडे। माँ? हाँ क्या है? नमस्ते। नमस्ते। राजू तेरे लिए समोसे लाया है। समोसे? अरे बैठो बैठो बैठो। बैठो भाई, इनकी शक्ल तो बड़ी अच्छी। स्वाद खा के देखिए। अच्छा माँ, वो जो अपने पास मिठाई है ना, वो इनको खिलाओ। हाँ हाँ जरूर ला, ये कोई पूछने की बात है। बहुत मजेदार है। और लीजिए ना। मैं खा रही हूँ। मिठाई में नमक? ला मुझे मिर्ची दे। हाय मर जाएगा ये, इतनी आसानी से नहीं मरेगा, छोड़। 12 समोसे खा लिए लेकिन तबीयत नहीं भरी। और खाइए ना। खा रही हूँ। ये लो इतनी सारी मिठाई। इतनी अच्छी है कि थाली भी खा जाओगी। क्यों बेला? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये मिठाई माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई है, पसंद आई? पसंद कैसे नहीं आएगी, है कोई मेरी मिठाई को बुरा कहने वाला? माँ देखो ये खा ले रहे। क्या अरे ये तुम्हारी आंख और नाक से पानी क्यों निकल रहा है? क्या जुकाम लग गया है माँ? पानी लाओ। तू ठहर मैं लाती हूँ। ये लो। Thank you.
नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, देखिए ना, फिर वही बात हो गई। कल आप समोसे लेकर आए, मिठाई में मिर्च मिलाई उस बेला की बच्ची ने, और आप समझे होंगे कि मैंने किया है। अच्छा 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 अच्छा, तो बेला की बच्ची ने मिर्ची मिलाई थी? जी हाँ। लेकिन उसे क्या बैर हो सकता है मुझसे? बैर नहीं, उसकी तो आदत ही कुछ ऐसी है, जान पहचान हो ना हो वो सबके साथ मजाक करती रहती है। अच्छा। हाँ, मगर ऐसा भी क्या मजाक, मिर्चियाँ मिला दी। मैं तो रात भर सोई नहीं ये सोच सोच के कि आपकी रात कैसी बीती होगी। कैसे रात बीती, कैसे रात बीती, हम जाने या दिल जाने, जब से हुई है मुलाकात उनसे, जब से हुई है मुलाकात, हो हम हैं जिनके दीवाने, अरे हम हैं जिनके दीवाने, होना हमको पहचाने, कैसी अजब है ये बात उनकी, कैसी अजब है ये बात, हो बहरे बहरे अपनी किस्मत, हर बहरे बहरे अपनी किस्मत, किस पत्थर से टकराई, किस पत्थर से टकराई, नैन मिले पर समझ न पाए, हर नैन मिले पर समझ न पाए, इन नैनों की चतुराई, इन नैनों की चतुराई, अब पछताने से क्या होवे, अब पछताने से क्या होवे, जब हम धोखा खा बैठे, कैसे रात बीती, कैसे रात बीती, हम जाने या दिल जाने, जब से हुई है मुलाकात उनसे, जब से हुई है मुलाकात, हो बदला ले रहे हो अपना? बदला? बदला और हसीनों से क्या, अजी बदला और हसीनों से क्या, जाओ हमने माफ किया, जाओ हमने माफ किया, कातिल अब ये सोच रहा है, हर कातिल अब ये सोच रहा है, हमने क्या इंसाफ किया, हमने क्या इंसाफ किया, दुश्मन पर हम हंसते हंसते, दुश्मन पर हम हंसते हंसते, दिल और जान लुटा बैठे, वो कैसे रात बीती, कैसे रात बीती, हम जाने या दिल जाने, जब से हुई है मुलाकात उनसे, जब से हुई है मुलाकात, हो राजू क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, सपना देख रहा था। पगला, सपना ही देखता रहता है। चल सो जा, चल। कुछ और रह गया क्या? नहीं,
मैंने अपना बदला ले लिया और तुमने अपना, बात बराबर हो गई। नाव चलाना आता है मुझे? अच्छा तो फिर चलो रेस हो जाए लड़की से। अरे ये कोई मामूली लड़की नहीं है, जीत कर तो बताओ। अच्छा कुछ नहीं। चला था मुझसे बराबरी करने। राजू 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 अरे राजू कहाँ हो तुम? अरे रुको 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 अपने प्यार की सरगम ज
जन्म जन्म से ये दोहराए, हर प्रेमी में बसे थे हम तुम, हर प्रेमी में बसे थे हम तुम, आए ना दूजा कोई, हम हैं प्यार की, प्यार की डगर के दो मुसाफिर, डगर के दो मुसाफिर, ओ संग संग रहने का वादा हमारा, प्यार की डगर के दो मुसाफिर, हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर। बाबू तू घर चल, मैं अभी आया है। तू कहाँ जा रहा है? वो कौशल्या चाची ने कहा था मिलने के लिए, शायद कुछ काम हो। ठीक है जल्दी आ जाना। बिजली? नीलू बिजली शहर चली गई। बिजली शहर चली गई? हाँ, और अपना पता दे गई है। बताया नहीं एकदम शहर क्यों चली आई? क्या करती? माँ ने एकदम कहा कि शहर वापस चलो। मैंने बहुत मना किया मगर वो मानी ही नहीं, मुझे आना ही पड़ा। मगर क्यों? कहीं उसे हम दोनों के बारे में पता तो नहीं चल गया? पता? हाँ, हो सकता है उसने हमें एक साथ देख लिया हो। ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर है कि माँ मुझे अपने से दूर नहीं रखना चाहती। वो मेरी शादी गांव में कभी नहीं करेगी। तो तू एक काम कर, शहर आके रहने लग, फिर मैं मां को मना लूंगी। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। लेकिन बापू, बापू को मैं समझा लूंगा। अरे बड़ी देर लगा दी तूने। बड़ी दूर तक गया था बापू। मिला क्या? यही दो चार मछलियां। लगता है बाबू इस गांव से अपना दाना पानी उठ गया। क्यों उठ गया? अरे अपने नारियल का व्यापार तो चल रहा है। पेड़ों क्या भरोसा बाबू, ये सूख गए तो कब तक मछलियां आ जाएंगी? ना आई तो अपने दोनों धंधे चौपट हो गए तो? तू कहना क्या चाहता है? मैंने शहर के बारे में सुना है, वहां बहुत बड़ा बिजनेस है, मछली नारियल तेल बनाने की फैक्ट्री, कालीन बनाने का कारखाना, बस बाबू वहां काम ही काम है। और फिर बाबू तूने मुझे मैट्रिक तक भी पढ़ाया है, नौकरी तो मुझे यूं मिल जाएगी। है तू कहीं इन शहर वालों के बहकावे में तो नहीं आ गया, मुझे छोड़कर जाना चाहता? नहीं बापू नहीं, हम दोनों जाएंगे। हाँ बापू, हमें अपने आगे का सोचना चाहिए, वहां अपनी जिंदगी बन जाएगी। तो यहां कौन सी बिगड़ रही है? चार आदमियों में अपनी इज्जत है, मान है, शहर में हम जैसे मुछेरों को कौन पूछेगा? लेकिन बापू देख, मैं तेरी ये बात नहीं मानने वाला। जिस धरती पर चलते चलते तेरी जवानी मेरा बुढ़ापा आया, तू उसे छोड़कर जाना चाहता है? ये अपने पुरखों की जन्मभूमि है, यहीं तेरी मां मरी थी, यहीं की मिट्टी में उसकी राख दबी है। नहीं नहीं, हम फाकों से मर जाएंगे लेकिन अपना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। बापू सुन, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। नहीं निकालूंगा बापू। तूने मेरे कहे का बुरा तो नहीं माना बेटा? बिल्कुल नहीं बापू, मैं तेरे से अलग नहीं हूं। तेरी खुशी में मेरी खुशी। माधव, हाँ? ये नारियल मेरे हैं, तू क्यों ले रहा है? अरे वाह वाह, ये नारियल तेरे थोड़ी, ये तो मेरे हैं। चोरी कर रहा है।
राजू को क्या हो गया? बात बात पे झगड़ा करता है। हाँ वो कल माधो से भी लड़ पड़ा। तुम्हें नहीं मालूम क्यों झगड़ता है? नहीं। अरे किसी का गुस्सा किसी पे उतारता है। किसका गुस्सा? बिजली का। उसका और बिजली का प्यार हो गया है। पर बिजली तो शहर चली गई। यही तो, बाप से तो कह नहीं सकता शहर चलो, बस्ती वालों पे खुन्नस निकालता है। राजू तो लड़कियों से बात भी नहीं करता सीधे मुँह। बिजली ने क्या जादू कर दिया? कुछ कर ही दिया होगा तभी तो, उठना बैठना खाना पीना मुश्किल हो गया बेचारे का। ए बच्चों, ए इधर आओ। चलो ये सब उठाकर घर ले जाओ, जाओ ऐश करो। चलो। अरे राजू ये इन मछलियों को क्या हो गया है? देख कितनी थोड़ी सी मिली, हमारे जाल में आती ही नहीं है। पता नहीं। अरे मुझे तो फिक्र लग गई है, अगर ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ते रहे तो धंधा कैसे चलेगा? अरे बोलता क्यों नहीं, जवान आदमी है, कोई तरकीब बता। क्या तरकीब बताऊं बापू, कल और आगे चलेंगे। उस दिन जो तूने कहा था वो बात अब मेरी समझ में आ रही है। कौन सा? ये कि धंधा कहीं और चलकर करें, शहर चलते हैं। शहर? सच बापू? कभी कभी जगह बदलने से नसीब बदल जाता है। अंकल आओ। अविनाश क्या बात है? बस इस चेक पर साइन कर दीजिए। ब्रज नारायण 30,000? इतना माल आया भी है? वो तो मैंने कटवा कर 30,000 रुपए करवाए हैं अंकल, वो तो 50,000 से कम मान ही नहीं रहा था। अच्छा किया तुमने। ये लो 30,000 का चेक। मालूम है ना क्या करना है? जी हाँ, ब्रज नारायण को देना है। सिर्फ देना है? जी नहीं, लेना भी है। 10,000 रुपया नकद, आपका हिस्सा। मां बदौलत तुम्हारी वफादारी और गैर मामूली फरासत से महसूस हुए। मेरे कान तो नहीं बज रहे? बेला तूने कुछ सुना? गांव छोड़कर यहाँ आ गया है। अरे लोग तो आते ही जाते रहते हैं, पर तू अभी तक फैक्ट्री नहीं गई, इतनी देर हो गई है। वो तो छोटे बाबू को दुआएं दे जो तेरी देर सवेर का ख्याल नहीं करते। क्यों बेला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ मुझे। मैं ये कह रही थी कि तू जरा छोटे बाबू के आगे पीछे रह कर, एक दिन तुझे वो इतनी ऊंची जगह पर बिठा देंगे कि वाह। क्यों बेला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं मौसी। क्या? हाँ मौसी। बाबू इसे कहाँ रखूं? अंदर रख दे।
उठा बड़े बिस्तर खाली कर मकान। क्यों भाई क्यों खाली करूं? 3 महीने का भाड़ा पेश की दिया है तुम्हें। अब मैं 6 महीने का मांगता हूं। 6 महीने का चाहिए? हाँ तो ले। नहीं बापू, इस कमीने के खून से अपने हाथ मत रंगो। क्या आपकी छोड़ देता हूं, दोबारा आया तो झाड़ की तरह काट कर रख दूंगा। वाह काका, क्या भाड़ा दिया है गंजे को, और चाहिए साल भर का। उतरो बेटा, घर आ गया। इस तरह क्या देख रहे हो? देखिए, आप सुन नहीं रहे। मैं जब से बार बार कह रहा हूं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम मेरे बेटे हो। सबने चाहता कि तुम्हें भुला दूं, अपने दिल से निकाल दूं। वो कहते थे कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं, मर गया। मैं कहता था झूठ, मेरा बेटा जिंदा है। पल पल गिनता था तुम्हारी वापसी की उम्मीद में। अब तक किस तरह जीता रहा, क्यों मर नहीं गया? क्योंकि क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, और तुम आ गए। चलो, एक समय था जब मैं तुम्हें सुलाता था, आज तुम मुझे सुलाओगे। ओ नो नो नो, मैं सोया तो तुम भाग जाओगे। नहीं, वादा करो नहीं जाओगे। वादा करता हूं। मैं सिर्फ लेटूंगा। अगर लेटूंगा तो जागता रहूंगा, और जागता रहूंगा तो तुम भागे तो मैं पकड़ लूंगा, और पकड़ के आए, आए, आ
ए भाई, ए भाई। क्यों, क्या बात है? ये आपके साहब की चीजें हैं, जब सुबह उठ जाएं तो इन्हें लौटा देना। ये और है। क्यों, साहब का बेटा नहीं बनना है? नहीं, मेरा अपना बाप मौजूद है। बाबूजी, कौन हो तुम? जी, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरा नाम राजू है। राजू, कोई काम है मुझसे? जी हाँ, आपकी एक चीज मेरे पास है, उसे वापस करने आया हूं। हाँ? ये तुम्हारे पास कहां से आई? जरा सोचिए, कहीं आपने तो नहीं दी थी? मैंने नहीं तो नहीं, ऐसे ही कह रहा हूं, मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था, ये अंगूठी गेट के पास पड़ी हुई दिखाई दी, सोचा आप ही की होगी, ले आया। ये अंगूठी हीरे की है, जानते हो कितने की है? मुझे हीरे की पहचान नहीं है। इसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है, अगर बाजार में बेचते तो तुम्हें 50,000 मिल जाते। बेचा क्यों नहीं? ऐसे माल से किसी का भला नहीं होता बाबूजी। क्या काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूं, अभी तक मिला नहीं। पढ़े लिखे हो? जी, मैट्रिक पास हूं। अच्छा, सुनो, हमें तुम जैसे ईमानदार लड़के की जरूरत है, हमारे यहां काम करोगे? हा? जरूर करूंगा, पहले बापू से पूछ लूं। उनसे पूछना जरूरी है? मैं कोई काम बिना बापू की मर्जी के नहीं करता। वाह, तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, जाओ पूछ के आओ। गुड मॉर्निंग सर। आओ डॉक्टर, आओ, सुबह सुबह सुई चुभाओ। सुई चुभोने नहीं, रिपोर्ट्स लाया। ये रही आपकी ब्लड रिपोर्ट, अब तो आपको शराब बंद करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर, अब तो ये आदत जिंदगी के साथ ही जाएगी। बापू, कैसे कैसे जन के आदमी है दुनिया में, बस देखते ही बनता है। तू सवेरे सवेरे दुनिया देखने कहां चला गया था? मैंने कल रात वाली बात नहीं बताई बापू? नहीं। बड़ा मजा है। क्या हुआ? एक साहब मिले, कहने लगे तू मेरा बेटा है। बेटा? कौन था वो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे इतने सर हुए कि मुझे उनके घर जाना पड़ा। घर? तूने मान लिया तो उसका बेटा है? बेटा? मजे की बात यह है, रात इतना बेटा बेटा कह रहे थे और जब सुबह मिले तो मुझे पहचाना भी नहीं। पर बापू, आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत रईस हैं, उनकी फैक्ट्री भी है। पूछने लगे हमारी फैक्ट्री में नौकरी करोगे? मैंने कहा बापू से पूछ के बताऊंगा, कर लूं बापू। अरे इसमें पूछना क्या है, काम करने तो आए हैं, कर ले नौकरी। अच्छा, छोटे सरकार, क्या गिरधारी ने आपके लिए बहुत जरूरी फाइल भेजी। ठीक है ठीक है, रख दो। बड़ी गंदी तस्वीर है, देखो देखो देखो। चल बकवास बंद करो, चल चल चल। अरे तुम कहो पहलवान, यहां कैसे? ए चुप रहो, मुझे बात करने दो। क्यों, क्या बात है, किस लिए आए हो यहां? बड़े साहब ने भेजा। कौन बड़े साहब? कैलाश बाबू, बोले ऑफिस जाओ, ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, कितना पढ़े हो? मैट्रिक पास हूं। मैट्रिक पास हूं,
यहाँ बीए पास धक्के खाते फिरते, इसीलिए इन्होंने बीए नहीं किया। चुप रहो, लंबे बनो, यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं। लेकिन कैलाश बाबू ने तो कहा था नौकरी जरूर मिल जाएगी। फैक्ट्री वो नहीं चलाते, मैं चलाता। नए काम करने वालों की जरूरत है या नहीं मुझे मालूम है, उन्हें नहीं। बिल्कुल ठीक है, जाओ कह दो बड़े साहब से कि छोटे साहब कहते हैं कि फैक्ट्री छोटे साहब चलाते हैं, बड़े साहब नहीं। और फैक्ट्री में नए काम करने वालों की जरूरत है या नहीं वो इन्हें मालूम है, उन्हें नहीं। जाओ कह दो उनसे, कह दो। ठीक है, कह देता हूं। ठहरो इधर। पहले कहां काम करते थे? अपना धंधा था मछली का। ओ, तुम्हारा अपना धंधा था, फिर तो जरूर मेहनत से काम करोगे। हाँ, अपने यहां एक सुपरवाइजर की जगह खाली, कल से काम पर आ जाना, कल से काम पर आ जाना। अरे बिजली, तूने सुना राजू अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गया? सच? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? सुपरवाइजर से भी नहीं डरते? अरे अब डर काहे का। गाने का वक्त है या काम करने का? आए? जवाब दो, चुप क्यों? किसने तुम लोगों को यहां इकट्ठा किया, बोलो। बिजली ने। बिजली ने? अच्छा जाओ, जाओ अपना काम करो, चलो जाओ। चलो बिजली, काम छोड़कर गाने क्यों गा रही थी? मैं खुद भी काम नहीं करती हूँ, दूसरों को भी काम करने नहीं देती। ये फैक्ट्री है तुम्हारा घर नहीं, यहां काम करने की तुम्हें तनख्वाह मिलती है, मिलती क्या नहीं? फिर ऐसी हरकत की तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा, और फिर भी नहीं मानी तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझी? बिजली, बिजली मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुनी तेरी कोई बात। अरे मैं जानता हूं तू मुझसे गुस्सा है, और गुस्से में तू बहुत अच्छी लगती है, भरोसा नहीं है तो इधर आ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। मुझे नहीं देखना है, छोड़ मेरा हाथ। अरे हाथ तो जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, अब छोड़ने की बात मत कर।
उधर फैक्ट्री में अफसरी दिखाता है और यहाँ खुशामत करता है। हसीनों की खुशामत तो करनी चाहिए। तो जा, कोई और ढूंढ, मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती। झूठ मत बोल, अंदर ही अंदर तुम मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार हो तुझसे, जो सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है? अरे पगली, वो बेइज्जती नहीं, वो तो प्यार की एक अदा है। अदा है? कल मेरा गला काट के कहेगा कि ये भी एक अदा है प्यार की। सचमुच तुझे मेरा डांटना बुरा लगा? हाँ। तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? बात क्यों नहीं हुई, तेरी वजह से तो मैं शहर आया था, तेरी वजह से तो फैक्ट्री में नौकरी की। ड्यूटी पे कोई गड़बड़ करे और मैं ना डांटू, मालिक मुझे निकाल बाहर करेगा, इससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। और कोई हो ना हो, तू तो खुश हो जाएगी ना राजू। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों 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 क्यों? मौसी से डर लगता है, कहीं उन्होंने देख लिया तो तेरी तो मरम्मत होगी ही, मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कैसा मजा आएगा, दूल्हा बना धीरे धीरे तेरे घर की तरफ बढ़ूंगा, तू लगन मंडप में आएगी दुल्हन बनकर, और फिर तेरे मेरे फेरे होंगे। लहाते शादी हो गई, अब स्वागत स्वागत, तुम मेरे घर में आ गई हो, और मैंने प्यार से घूंघट उठा दिया और अपने सीने से लगा लिया। अरे मारती क्यों है, प्यार करना? कर रही हूँ। अरे मौसी, रही बात, लड़की को अकेला देख के फुसला। अरे नहीं, मैं तो पहले खुद पैर नहीं था। अरे मौसी मौसी बालू नहीं, मैं तो शादी की बात बना रहा हूँ। गुड़गुड़ी कौन आएगी आज? तो मौसी गुड़गुड़ी कौन आएगी? अरे लूंगी गई नहीं, गुड़गुड़ी गई। अविनाश जी, बाहर जो लोग खड़े उन्हें चेक दे दो। महावीर गौशाला 15,000, पार्वती धर्मशाला 40,000, विकी मेमोरियल किंडरगार्टन स्कूल 1,00,000। 1,00,000? इतना चिंदा? अविनाश, बड़े कामों के लिए बड़े रुपयों की जरूरत होती है। लेकिन अंकल, शहर में और भी बहुत से रईस हैं, सिर्फ आप ही तो नहीं है। किसे क्या देना है वो मैं जानता हूं, इसके लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। जी तुम्हें अपनी फिक्र है ना, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। मेरे बाद तुम्हारी जरूरत के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जाओ दे आओ इन्हें। क्या हुआ सरकार? मालूम होता है कि बिला अंकल मरने से पहले ही अपनी सारी दौलत लुटा देंगे। गौशाला को हजारों रुपए चंदा दिया जाता है, नए नए स्कूल खोले जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। अपना तो अगला जन्म सुधार रहे और हमारा ये जन्म बिगाड़ रहे। सरकार, अभी से कुछ ना किया तो अंकल का कर्जा ही आपके हिस्से में आएगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। एक तरकीब है सरकार। क्या? जिंदगी का लंबा रास्ता छोटा कर दिया जाए। मां बदौलत को तुम्हारा ये मशवरा बहुत पसंद आया। अविनाश, हैवी ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर पहुंच गया फैक्ट्री में। जी अंकल, ये अंकल धूप बहुत तेज है, आप ही छेदी में छाता लेकर आते हो। जाओ वहां से फिर से गिन। जरा सी खरोच है, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं बाबूजी।
राजू, आज तुमने मेरे लिए जो किया है शायद मेरा बेटा होता तो भी नहीं करता। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। मालिक, खाना लगाऊं? हाँ खाना लगाओ, राजू भी मेरे साथ खाएगा। आज नहीं बाबूजी, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं बापू से कह के नहीं आया, मेरे बिना वो खाएंगे नहीं। अच्छी बात है, माफ कर दिए, जाओ। नमस्ते बाबू। हाँ, आज ये अरहर की दाल बहुत अच्छी बनाई है। तुझे पसंद है ना, इसीलिए बनाई है। ले और ले, मुझे खत्म कर दूंगा। ले ना। बाबू, मैं बाहर जाके खाता हूँ, यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, एकदम गर्मी हो गई है, मैं भी बाहर ही आकर खाना खाता हूँ। बड़ा क्यों हो गया, चलना, बहुत गर्मी। ज्यादा ही हो गई है। ए राजू, बेरा हो गया क्या, सुनता नहीं? हाँ, ऐसे से क्या करता है, गूंगा भी हो गया है, चल उठ। अरे हाथ क्यों छुड़ा, उठना। मैं कहाँ चलूं तेरे साथ, तू बापू से मिलने आई है ना? बापू से? बापू से मुझे क्या काम, मैं तो तेरे पास आई हूँ। मेरे पास? मेरे पास क्यों आई है, मैं थोड़ी मछली देता हूँ, मछली तो बापू देते हैं। बापू, बापू मछली लेने आई है। मछली लेने आई है बिजली? हाँ माँ ने भेजा है। कौन सी चाहिए, रोहू, कटला, झींगा? माँ ने ये तो नहीं बताया। तो फिर यहाँ क्या कर रही है, जा माँ से पूछ क्या, जा ना। जाऊं? राजू, तूने कुछ कहा? मैंने मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहूंगा, जा। अच्छा मैं जाती हूँ। चल खाना खा, खाना। हाय बुद्धू, अकेली जा रही है, इतनी रात हो गई, चल घर तक छोड़ा। अच्छा थाली लेकर छोड़ने जाएगा। ओ, ए बिजली, अरे कहाँ भागी जा रही है, ए सुन तो सही। क्या सुनूं, दूर से इतना बुलाया फिर भी नहीं आया, मैं खुद उधर आई, इतना इशारा की फिर भी नहीं निकला। अरे क्या करता, बापू देख रहा था। बापू? बापू से डरते हो तो पहले उनसे पूछ लो फिर बात करना। अरे मैं बापू से डरता वरता नहीं, डरता मैं सिर्फ तुझसे हूँ, तुझसे। कुछ लोग गोदाम से माल बाहर निकाल रहे हैं। हाँ लगता तो है, और आदमी अपने भी नहीं मालूम। अभी अभी मालूम हुआ है कि हमारे हातिम ताई अंकल ने अपनी तमाम जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम लिख रखी है। जब तक वो वसीयतनामा हमारे हाथ नहीं लग जाता, अंकल का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। क्रेन एक्सीडेंट करके तो हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी, वो तो कहो राजू ने हमें बचा लिया, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सरकार, ये राजू बहुत हाथ पैर निकाल रहा है। हाँ? आज उसने गोदाम से पूरा माल निकलने नहीं दिया। क्या जी, आपका हुक्म हो तो इसका लंबा रास्ता भी छोटा कर दिया जाए। शम्भू भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या नाव ठीक कर रहे हो? नहीं भैया, नाव के घाव ठीक कर रहा हूँ, ये देखो कुछ देख रेख निकल आई है। अरे दूसरी ले लो, ये नाव तो पुरानी हो गई अब। अरे भाई नाव क्या, हम भी पुराने हो गए हैं। वो तो ठीक है, पर किसी दिन मछली पकड़ने जाओगे तो वहीं रह जाओगे। B350 यही है और बाकी रह गए। हाँ 10 और बाकी हैं, शाम तक आ जाएंगे। हाँ। अरे गिरधारी। हाँ। ऐसी नाव कितने में आ जाती होगी? 5,000 में चाहिए। हाँ। चाहिए तो बाबू की नाव पुरानी हो गई है, लेकिन लेकिन क्या, जेब में माल नहीं है। यही बात। अरे माल की क्या कमी है, माल हम देंगे। तुम? हाँ,
इतना देंगे एक क्या दो नाव खरीद लोगे? नहीं एक ही बहुत है। उधार दोगे? नहीं, तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देते हैं। क्या काम है तुम्हारा? गोदाम से माल जब बाहर जाता है तो रजिस्टर पर तुम्हारे साइन कराने पड़ते हैं, है ना? हाँ। मैं गोदाम से माल ले जाऊंगा, रजिस्टर पर जितना लिख दूं उस पर चुपचाप साइन कर देना। 10,000 रुपए दूंगा। बाबू के लिए दूसरी नाव लेने का एक ही उपाय है, बाबूजी से एडवांस मांग लूं, दे तो देंगे, भले आदमी है। अरे अरे क्या कर दो बेटा, अरे अरे क्या करते हो बेटा, मुझे काम करने दो, जा सो जा। नहीं डैडी, जल्दी सोए, जल्दी जागे, दुनिया में हो सबसे आगे। अरे वाह। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, तुमने मुझे अपना बेटा याद दिला दिया, आज वो होता तो इतना ही बड़ा होता। अगर अब एडवांस मांगूंगा तो बाबूजी मुझे कितना मतलबी समझेंगे। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही मिलने आ गया था। अच्छा किया, कभी कभी ऐसे ही मिलने आ जाया करो। जल्दी करो माँ, नाव की दौड़ शुरू हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी क्या है, दौड़ से पहले तो भगवान की झांकियां निकलेंगी। चलो साहेबान, थोड़ी ही देर में आज का मुख्य कार्यक्रम बोट रेस यानी कश्तियों की दौड़ शुरू होने वाली है। रेस में जीतने वाली टीम को ये ट्रॉफी और हर नाव चलाने वाले को 200 रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा श्री कैलाशनाथ जी जीतने वाली टीम के कप्तान को एक गोल्ड मेडल भेंट करेंगे। अगर मैं ये रेस जीत जाऊं तो शायद बापू के लिए एक नई नाव खरीद सकूं। मेरे सफीना रानो, मेरे ना खुदाओ, कश्ती चलाने वालों, चंद साल पेशतर मैंने तुम लोगों की रहनुमाई को कबूल फरमाया था और मेरी ही रहनुमाई की वजह से तुम लोग 4 साल तक मतवातर फतह और नुसरत से हमकनार होते रहे हो। हमकनार होते रहे हो, जीतते रहे हो। चुनांचे इस हकीकत के पेश नजर मुझे इस बात का मुसम्मम यकीन है कि आज भी मेरी ही रहनुमाई तुम लोगों को एक बार फिर फतह और नुसरत अता फरमाएगी। फतह और नुसरत अता फरमाएगी। तुम्हारी जीत होगी। बोलो हमारे टीम के कैप्टन अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जिंदाबाद। Thank you.
अरे आगे बढ़ो भाई, लो। बाबूजी, इस मेडल की जगह मुझे नाव नहीं मिल सकती? नाव? मेरे बापू के लिए, उनकी नाव पुरानी हो गई है। जो ज्यादा पैसे लगेंगे मैं तनख्वाह में से कटवा दूंगा। इधर आओ, ये मेडल लो, नाव भी मिल जाएगी। देखना क्या है, नाव है, है। पास चल के तो देख। ले देख ली, अब बोल। नाव अच्छी है ना बापू? हैं? तेरे लिए लाया हूं। हैं? मेरे लिए? लेकिन ये तो बहुत महंगी है, इतने रुपए कहां से लाए बेटू? बापू, मैं नाव की दौड़ में फर्स्ट आया था ना। हाँ। कैलाश बाबू बहुत खुश हुए, बोले क्या इनाम चाहिए। मैंने कहा नाव, मेरे बापू की नाव बहुत पुरानी हो गई है। क्यों रे, अपने बापू का इतना ख्याल है तुझे? होगा क्यों नहीं बापू, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। बंसी काका। आया। आओ आओ राजू। बंसी काका, ये मेरे बापू हैं। नमस्ते काका। ये क्या है? साहब का जो बेटा था ना, उसी का फोटो है। मैं देख सकता हूँ? हाँ, हाँ, क्यों राजू? नमस्ते बाबूजी। आओ बापू। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं। वो तो मैं समझ गया था। अरे ये क्या कर रहे हो, उठो, इसकी क्या जरूरत है? आप तो हमारे भगवान हैं साहब जी, कब से मेरी तमन्ना थी एक नाव खरीदूं, पर बन नहीं पड़ रहा था, आपने पूरी कर दी। इसके लिए मेरा नहीं, अपने बेटे का शुक्रिया अदा करो, इनाम इसने जीता है, मैंने क्या किया। इतने बड़े शहर में कौन किसे सहारा देता है, आपके हम पर कितने एहसान है। आओ बैठो। बैठिए। अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठो। नहीं नहीं साहब जी, मैं तो आपके चरणों में ही ठीक हूँ। ये गलत बात है, तुम्हें नहीं, नहीं, आप बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी तो तुम हो भाई, तुम्हारे पास औलाद की दौलत है। बस साहब जी, यही है बस। आओ चाय पियो। कहाँ तशरीफ ले जा रही है मलिका आलिया? जी जी, आप मुझसे कह रहे हैं? जी आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। सुनिए तो सही, अपने आप को खुशनसीब समझो, हम ऐसी बात हर लड़की से नहीं कहते। जी कृपा है आपकी। सुनो, तुम्हारे ये पाए नाजुक फर्शे मखमली के लिए बने। जी मैं कुछ समझी नहीं। छोटे लोगों के साथ रहोगी तो ना समझ रहोगी, हम जैसे बड़े लोगों के साथ रहा करो। मैं जाऊं, मुझे जरा जल्दी है। मैं जानता हूं तुम्हें कहां की जल्दी है, राजू से मिलने जा रही हो ना, याद रखो कभी मुझे गुस्सा आ गया ना तो उसे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। आप समझे नहीं, वो तो मेरी मौसी के गांव का है, मेरा मतलब है मौसी का रिश्तेदार है, इसलिए जान पहचान है। समझदार हो तो जान पहचान से आगे मत बढ़ना। माँ बदौलत तशरीफ लाए। अरे छोटे बाबू, आप हमारे घर, चूटी के घर भगवान आए हैं, कहाँ बिठाऊं क्या खिलाऊं? मोहतरमा, ना हम बैठने आए हैं और ना कुछ खाने आए हैं, हम सिर्फ आपको यह आगाह करने आए हैं कि आपकी दुख्तर नेक अख्तर जो कारनामे कर रही हैं, वो ना आपके हस्बे हाल है और ना हमारे शायान शान। बड़ी खुशी की बात है। आप समझी नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपकी बेटी बिजली पर वो बदमाश राजू डोरे डाल रहा है और वो भोली भाली लड़की उसकी तरफ खींची चली जा रही है, अगर अभी से कुछ ना किया गया तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। राजू, रात बहुत हो गई, मैं चलती हूँ। नहीं अभी नहीं, आधी रात हो गई है पर ये लड़की अभी तक नहीं आई, आजकल कुछ ये ज्यादा ही हाथ पर निकाल रही है, कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है? राजू के पास से। हाय राम, तो छोटे बाबू ने सच ही कहा था, मैं समझी थी कि तुझे अकल आ गई है, लेकिन तू मूर्ख की मूर्ख ही रही। याद रख, आज के बाद राजू से मिली तो अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा, तू चाहती थी वो यहाँ आ जाए, आ गया
तू जाती थी वो यहाँ नौकरी कर ले, कर ली। तू जाती थी मैं तेरे पास रहूं, रहूंगी। अब तू और क्या चाहती है? तेरा सुख, तेरा भविष्य। अरे पगली, तू छोटे बाबू की आंखों में झांक कर तो देख, वो तुझे कीचड़ से निकाल कर ऊंचे महल में बिठा देंगे। तू राज करेगी और तेरे साथ मैं भी। मैं तेरे झूठे सपने के लिए राजू का सच्चा प्यार नहीं ठुकरा सकती। वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये सब राजू की चाल है, मेरी भोली भाली बच्ची को मछली की तरह जाल में फंसा लिया। मैं अभी छोटे बाबू के पास जाती हूँ। उसे नौकरी से क्या, बस्ती से क्या, शहर से न निकलवा दिया तो माया मेरा नाम नहीं। बहुत बदमाश आदमी मालूम होता है, मेरी बेटी बार बार बच गई। क्या बात है चौधरी, किसे देख रहे हैं आंखें जमा के? रंग देख रहा हूं दुनिया के। किसी के पास माल ही माल और किसी के पास खाली असीस। अच्छा हुआ तुम आ गई, तीन दफा तुम्हारे घर जा चुका हूँ, तुम मिली नहीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा तो तुम पहले कहो। मैं कहती हूँ कि राजू और बिजली की जोड़ी कैसी रहेगी? क्या कहा, राजू और बिजली? एक बार फिर कह दो। क्यों, पसंद नहीं है रिश्ता? पसंद, तमन्ना थी ये तो मेरी। भाग्यवान तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ए मिठाई वाले, इधर आ जल्दी, जल्दी आ, मुंह मीठा करो। मुबारक हो, मुबारक हो। राजू की खुशी से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। जिस दिन मुझे पता लगा राजू बिजली के लिए दीवाना है, मैंने उसी दिन शहर आने का फैसला कर लिया था। हालांकि राजू को आज तक ये नहीं मालूम, वो समझता है कि वहां धंधा नहीं चलता था इसलिए मैं शहर आ गया हूँ। पगला कहीं का। कब आए तुम, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ बैठो। बैठूंगा नहीं साहब जी, और बहुत जगह जाना है, बुलावा देना है। किस लिए? आज राजू का जन्मदिन है। ओह। और साथ ही साथ उसकी मंगनी भी कर रहा हूँ। एक ही तो मेरा बेटा है, बस यही एक अरमान है, छोटा सा जश्न कर रहा हूँ। आज शाम को आपको जरूर आना पड़ेगा। मैं जरूर आता शंभू, लेकिन मुझे माफ कर देना, आज के दिन मैं कहीं नहीं जाता। आज ही के दिन मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया था। अरे राम राम राम, लेकिन साहब जी कैसे? न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, हम दोनों, खैर जाने दो, भगवान ने दिया था उसी ने वापस ले लिया। मेरी तरफ से राजू को बधाई दे देना। मेरे लाल जियो, तेरे जैसा, अरे तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, तेरे जैसा अंबर में तारा नहीं। जीने का मेरे सहारा है तू, जीने का मेरे सहारा है तू, उससे कोई और मुझे प्यारा नहीं, हाँ प्यारा नहीं। तूफानों की दुनिया में है प्यार तेरा पतवार, पूजा का
मैं अपनी तकदीर देखे बिना तुझको एक पल भी मुझको देखे बिना तुझको एक पल भी मुझको जीना गवारा नहीं। तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, तेरे जैसा अंबर में तारा नहीं। मेरी दुआ तेरे हरदम साथ रहे, हरदम साथ रहे। जब जब देखे दुनिया तुझको मुझको याद करे, तू ही तू मुझ में जिंदा मैं तुझ में, तू ही तू मुझ में जिंदा मैं तुझ में, मैं तुझसे नारा नहीं। तेरे जैसा, अरे तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, तेरे जैसा अंबर में तारा नहीं। आप बैठो। ये सब क्या है शंभू भैया? राजू के ब्याह की तैयारियां कर रहा हूं। गहना तो बहुत जमा कर लिया है। राजू की माँ का है, बहू के लिए छोड़ गई, अब बस शादी के खर्चे की फिक्र है। सोचता हूं कि ये बाजूबंद गिरवी रख दूं, बाद में छुड़ा लूंगा। देखो इसमें तो लगता है हीरे पल्ले जड़े हैं, कई हजार रुपया मिलेगा। कई हजार रुपया ही तो चाहिए, अरे एक ही तो बेटा है मेरा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि गांव बस्ती के लोग बरसों तक नहीं भूलेंगे। अपने सारे अरमान बस एक इसी शादी में निकाल लें। किसी भले आदमी को दिखलाकर पहले दाम मालूम कर लो कितने का है। नारायण कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन भला आदमी, हाँ भला आदमी अपने कैलाश बाबू से ज्यादा अच्छा और कौन हो सकता है। खानदानी रईस हैं, उन्हें जरूर असली हीरे की पहचान होगी। और शंभू कैसे आना हुआ? हाँ बैठो, कोई काम है? साहब जी ये दिखलाने आया था। ये तुम्हारे पास कहां से आया? क्यों? ये बाजूबंद मेरे बेटे का है जी। हाँ शंभू, ये तुम्हें मिला तो मेरा बेटा भी तुम्हें मिला होगा। कहां है मेरा बेटा शंभू? बताओ शंभू कहां है मेरा बेटा? बताओ शंभू कहां है मेरा बेटा? साहब जी आपका बेटा मिला था लेकिन मारा हुआ। शंभू भैया बड़े गुमसुम बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हाँ वो कैलाश बाबू को बाजूबंद दिखलाया? हाँ दिखलाया। क्या बोले? बोले क्या? नहीं मेरा बेटा मर नहीं सकता, वो जिंदा है, जरूर जिंदा है। अरे अरे ये क्या करते हो बेटा? अरे अरे क्या करते हो बेटा? जानने जाना ही। अरे भोली कहां चले गई थी तू? ये राजू के बाजू को क्या हुआ? मैंने वो निशानी ही मिटा दी। ले बिजली ये लो। Thank you.
बस तो दूर हुआ। ये लीजिए वसीयतनामा। जो काम हुआ हमसे वो रुस्तम से ना होगा। जी अरे बेवकूफ, तेरी तारीफ कर रहा हूं। जो काम तूने किया है वो रुस्तम भी नहीं कर सकता था। शुक्रिया सरकार। अब सिर्फ दो काम और रह गए हैं। कौन से? पहला अपने हक में नया वसीयत नामा लिखवाना, दूसरा किबला अंकल का इस तरह खात्मा करना कि मालूम हो कि हादसा है यानी एक्सीडेंट। बाबू सलाह क्यों मान लिया? कहाँ जा रहा है? गांव वापस जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो। मगर बात क्या हो गई? बाबू कुछ बात नहीं हुई, कह दिया ना मुझे शहर में नहीं रहना। मगर बापू तू तो मान गया था कि शादी के बाद जाएंगे, अब क्या हो गया? ज्यादा बहस मत कर। क्या शादी गांव में जाकर नहीं हो सकती? क्या बारात वहां से नहीं आ सकती? मगर बापू ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि मैं कहता हूँ छोड़ दे ये नौकरी और चल जाओ। लेकिन बापू तू समझता क्यों नहीं, मैं ना ये नौकरी छोड़ सकता हूँ ना यहाँ से जा सकता हूँ। कैलाश बाबू की जिंदगी खतरे में। ये क्यों नहीं कहता कि कैलाश बाबू मुझसे ज्यादा प्यारे हो गए हैं? उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं रही। बाबू आजकल तू उल्टी बातें करने लगा है। तू तो कहा करता था कि जो एहसान करे उसका दुगना बदला देना चाहिए, और आज कैलाश बाबू की जान खतरे में और तू कहता है कि नौकरी छोड़ दे। मैं ना ये नौकरी छोड़ूंगा ना यहां से जाऊंगा। बोली मुझे छोड़ के चल रहे हो? बाबू अभी तक नहीं आया। बाबू कहां चला गया था? तू पी गया है बापू? भेजा घूम गया है, मेरा दिमाग उलट गया। मैं पूछता हूं दारू पी ली तो कौन सा जुल्म कर दिया? सारी दुनिया पीती है। मैं शिकायत कर दूंगा तेरी। शिकायत किससे कर देगा? कैलाश बाबू से। कैलाश बाबू? तूने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ये आज तुझे क्या हो गया बापू? मैं पागल हो गया हूँ राजू, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बापू 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 वो कौन सा काम है जो तुझे खाया जा रहा है? मैं यहाँ नहीं रह सकता, राजू नहीं रह सकता, और कुछ दिन इस शहर में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा राजू। तू कहता तो नहीं रहेंगे, चले जाएंगे बापू, बापू कल चले जाएंगे। अरे राजू मेरे बच्चे। बंसी काका आओ। राजू कैसे आए? बाबूजी कहाँ हैं? क्यों कुछ काम है क्या? बहुत जरूरी काम है। तुम मुझे बता दो, मैं उनसे कह दूंगा। नहीं मुझे खुद बात करनी है। इधर आना बंसी काका। अच्छा आता हूँ। ये बाजूबंद क्यों? ऐसा तो मेरे बापू के पास भी है। हाँ ये वही है। वही तुम्हारे बापू इसे यहाँ छोड़ गए थे। बापू यहाँ क्यों छोड़ गया था?
असल में सरकार के बेटे का है। उनके बेटे का? हाँ, सरकार ने बाजूबंद देखा तो पागल हो गए। शंभू से कहा, बाजूबंद तेरे पास है तो मेरा बेटा भी तेरे ही पास होगा। तो फिर बापू ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, तेरा बेटा मिला था लेकिन मरा हुआ। कैसी दुख भरी कहानी है डैडी। बाबूजी कहाँ मिलेंगे इस वक्त? क्लब में। क्लब में क्यों भाई? कैलाश बाबू अंदर? कैलाश बाबू? हाँ। वो तो आज नहीं आए। ले भाई राजू, जरा पहन के देख। बापू, मेरे लिए तो पहले से ही इतने कपड़े खरीदे, अब अपने लिए लो ना। अरे बेटा, मेरी तो उम्र गुजर गई तेरे खाने पहनने के दिन, और फिर तूने पहना मैंने पहना, एक ही बात है ना। मैं यहाँ नहीं रह सकता राजू, नहीं रह सकता। और कुछ दिन इस शहर में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा राजू। अरे बोलता क्यों नहीं, कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं बाबू, भटक गया था, लेकिन अब नहीं। आ बाबू घर चले। चल। बाबूजी संभल के। बाबूजी बेटा तुम आ गए, कहां थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तो बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? बोलो बेटा, बोलो तुम मेरे बेटे हो। तुम चुप क्यों हो, कहते कौन है कि तुम मेरे बेटे हो? हाँ हाँ बाबूजी, मैं आपका बेटा हूं, आपका वही बेटा हूं जिसके गम में आप खुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। मेरी क्या बदनसीबी है कि आपकी ये बर्बादी, ये तबाही देखते हुए भी मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको पाकर भी नहीं पा सकता, आपका बेटा होकर भी आपका बेटा नहीं बन सकता। बाबूजी मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता। किरदारी जी सरकार। तुमने सुना राजू ने क्या कहा? सुना सरकार। इसके घर की तलाशी लो, देखो इसके पास कुछ सबूत तो नहीं। ठीक है जॉब जी, तुम्हारी यही मर्जी है तो बिजली की शादी गांव में आके कर देनी। अच्छा तो मैं चलूं। अरे कुछ कॉफी वाफी तो पी के जाओ ना। कॉफी फिर कभी पी लूंगा, अभी तो घर खुला छोड़ आया हूं। अच्छा बंसी काका, छोटे सरकार कहाँ है? छोटे सरकार अंदर ही बैठे हैं। अच्छी बात। सरकार आपका शक बिल्कुल ठीक था, राजू ही विक्की है, एक ही फोटो था, वो मैं ले आया हूं, ये लीजिए। सरकार अब तो मुझे ना, अरे आ गया। मैं, मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, हमने फैसला कर लिया कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। राजू ने इस्तीफा दिया, ठीक किया, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जरूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। तुम्हारा बेटा? कौन तुम्हारा बेटा? मैं क्यों उसे ले जाने लगा? मैं तो अपने बेटे की बात कर रहा हूं राजू, मैं और राजू दोनों जा रहे हैं। शंभू, तुम जो कह रहे हो आंख मिला के कहो। क्यों कहूं? मैं कोई चोर हूं? क्या जरूरत है मुझे तुमसे आंख मिला के बात करने की? कुछ देना आता है मुझे तुम्हारा? इतनी लंबी बात करने से झूठ सच नहीं हो जाता।
तुम जानते हो राजू तुम्हारा बेटा नहीं। कौन कहता है कि राजू मेरा बेटा नहीं? मैं कहता हूँ तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा मर चुका है, सारी दुनिया जानती है कि वो समुंदर में डूब गया था, आज से 30 साल पहले की बात है। मेरा बेटा जिंदा है और उसका नाम राजू है। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, राजू मेरा बेटा है। शंभू, पराया धन पर कब्जा करने से अपना नहीं हो जाता, तुम सीधी तरह मेरा बेटा वापस कर दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राजू तुम्हारा बेटा है? सबूत? यह है सबूत। अब बोलो, ठहरो, तुम शरीफ आदमी नहीं हो। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, अगर तुमने अब भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हें कानून तक जाने ही नहीं दूंगा। बाबू, ये क्या कर रहा है बाबू? छोड़ दे मुझे बाबू, मैं टुकड़े कर दूंगा। नहीं बाबू, अगर टुकड़े करने हैं तो मेरे करो, इस झगड़े की जड़ मैं हूं। मैं राजू? हाँ, मेरे दो टुकड़े करके आपस में बांट लो, फैसला हो जाएगा। फैसला ऐसे नहीं होगा, फैसला हम करेंगे, और ये फैसला तब तक नहीं होगा जब तक हमारे मुकदमे का फैसला नहीं होगा। तुम्हारा मुकदमा? यही तो हमारी बदनसीबी है अंकल, आप अभी तक हमारा मुकदमा नहीं समझे। पकड़ लो इन तीनों को। अब और सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, आप इस नए वसीयत नामे पर दस्तखत करेंगे या नहीं? नहीं। नहीं का मतलब है अपने इकलौते बेटे को खाक और खून में तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आप? भगवान ने मेरी मौत इसके हाथों नहीं लिखी तो ये मुझे कभी नहीं मार सकता। आप दस्तखत बिल्कुल मत करना बाबूजी। छोड़ा, आखिरी बार पूछता हूं, आप इस पर दस्तखत करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। अभी बताता हूं, चारों तरफ से घेर लो और कोने कोने छान मारो, देखो दोनों कहां छुपे हुए। मैं चूहे को बिल से निकालना अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तीन तक गिनती गिनता हूं, बाहर निकल आओ वरना कैलाश बाबू को गोली मार दूंगा। एक, मतलब राजू। दो, अविनाश गोली मत चलाना, मैं अभी आता हूं। राजू पागल ना बन। बापू तू जा। तुझे छोड़कर, अरे पगले, तू ही तो मेरा सब कुछ है। जल्दी करो। क्यों आए राजू? मछेरे, तेरी मौत तुझे यहां ले ही आई, चलो सबसे पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूं। ठहरो, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं मगर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? इन दोनों बाप बेटों को छोड़ दो। छोड़ दूं? इस मछेरे को भी? लेकिन ये तो आपकी जान लेना चाहता था। अविनाश तू नहीं समझेगा बेटा क्या होता है और बाप क्या होता है। अविनाश छोड़ दो ना, मैं दस्तखत करता हूं। छोड़ दो। सरकार जी क्या कर रहे हैं? जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। सुन बे मछेरे, अपने छोकरे को लेकर इस शहर से फौरन गांव चले जाना, इसके बाद तुम्हारी या तुम्हारे छोकरे की मनहूस सूरत मुझे शहर में नजर आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
आप अपना वादा पूरा कीजिए। ये लीजिए, सोचिए मत, मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। आपको स्विट्जरलैंड भेज दिया जाएगा, वहां तमाम जिंदगी आप बड़े सुकून से गुजारेंगे। सुकून मुझे मिल गया, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। गिरधारे जंगली कुत्ते, तू अपने वादे से फिर गया। वादे से नहीं फिरूंगा मामा जी, बाप बेटे को मिलाकर छोड़ूंगा, लेकिन यहां नहीं ऊपर। लगा दो आग, जब बगैर खुदा हाफिज। सर क्या होने वाले सेठ कैलाशनाथ का इकलौता वारस सेठ अविनाश कुमार। तुमने अपने आप को जला दिया शंभू, राजू अस्पताल ले चलो। चलो चलो, ले जाने का समय तो आ गया है साहब जी, लेकिन अस्पताल नहीं। ऐसा मत कहो शंभू, ऐसा मत कहो। नहीं बापू नहीं। साया बन के
मेरी दुआ तेरे हर दम साथ रहे, हो हर दम साथ रहे, जब जब देखे दुनिया तुझको मुझको याद करे, तू ही तू मुझमें जिंदा मैं तुझमें, मैं तुझसे नारा नहीं, तेरे जैसा सागर में मोती